हिंदी टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं जहीरुल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ईफिलिंग का एक न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया है और इस न्यू वर्जन का नेम दिया गया है ईफिलिंग 2.0। तो आज का इस वीडियो में न्यू पोर्टल से पैन कार्ड का साथ आधार कार्ड लिंक करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक आपका पैन कार्ड का साथ आधार कार्ड लिंक नहीं किया है और आप कहीं पर पकड़ा जाते हो तो एस पर लो आपको 10,000 फाइन पे करना पड़ेगा। अगर आप फाइन पे करना नहीं चाहते हो तो ये वीडियो देखने के बाद ही आप आपका पैन कार्ड का साथ आधार कार्ड लिंक कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं न्यू पोर्टल से पैन कार्ड का साथ आधार कार्ड कैसे लिंक किया जाता है। तो यहाँ पे आप गूगल क्रोम ओपन कर लेना और सर्च बार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईफिलिंग लिख के सर्च करना। इसके बाद यहाँ नीचे आप एक ऑप्शन देख सकते हो, ईफिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे ईफिलिंग 2.0 न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे नीचे आ जाना, यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो, लिंक आधार विथ पैन। आप यहाँ पे लिंक आधार विथ पैन में क्लिक करना। यहाँ पे इसी तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर डाल देना। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे आप आपका आधार कार्ड का नंबर डाल देना। इसके बाद नीचे नेम एज पर आधार, आपका आधार कार्ड में क्या नाम है वही नाम आप यहाँ पे डाल देना। इसके बाद नीचे आ जाना, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर डाल देना। इसके बाद नीचे यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड में ओनली ईयर ऑफ बर्थ है तो आप इस बॉक्स को चेक कर लेना। अगर आपका आधार कार्ड में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस बॉक्स को ऐसे ही छोड़ देना। इसके बाद नीचे आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, आप इस बॉक्स को चेक कर लेना। तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर, यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे नेम एज पर आधार, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ नीचे अगर आपका आधार कार्ड में ओनली ईयर ऑफ बर्थ है तो आप फर्स्ट बॉक्स को चेक कर लेना। अगर आपका आधार कार्ड में कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको ऐसे खाली छोड़ देना और नीचे आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स को चेक कर लेना। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिंक आधार में क्लिक करना। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड भेज दिया जाएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को आप यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप नीचे वैलिडेट में क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा, आधार पैन लिंकिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ ओके में क्लिक करना। अगर आप बाद में कभी आपका पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक हुआ है या नहीं हुआ है स्टेटस चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ईफिलिंग का होम पेज में आ जाना और यहाँ पे नीचे आ जाना। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, लिंक आधार, नो अबाउट योर आधार पैन, आप यहाँ पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप आपका पैन कार्ड का नंबर डाल देना और नीचे यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर डाल देना। यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस में क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके का एक मैसेज दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो योर पैन, यहाँ पे आपका पैन कार्ड का फर्स्ट टू लेटर्स और लास्ट टू लेटर्स आपको दिखाई देगा, इज लिंक टू आधार नंबर। यहाँ पे आपका आधार कार्ड का लास्ट फोर डिजिट दिखाई देगा, यानी ये पैन नंबर इस आधार कार्ड का साथ लिंक हो चुका है। इसी लिंक का न्यू पोर्टल से पैन कार्ड का साथ आधार कार्ड लिंक करने के बाद आप इसी तरीके से पता कर सकते हो आपका पैन कार्ड का साथ आधार कार्ड लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ तक न्यू पोर्टल से पैन कार्ड का साथ आधार कार्ड लिंक करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाया हूँ। अगर आपका मन में कुछ क्वेश्चन या डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।